हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश गौतम की अध्यक्षता में प्रदेश के 2,00,000 बीएड डिग्री धारकों के हित की बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखी। उन्होंने सीएम से आग्रह किया कि बीएड वालों को जेबीटी के साथ नियुक्तियां दी जाएं तथा जेबीटी टेट की अनुचित मांग ना की जाए, क्योंकि बीएड वालों के पास जेबीटी टेट नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन के बाद शिक्षा विभाग ने आरएनपी रूल्स में आवश्यक संशोधन ना करके बीएड वालों को जेबीटी टेट में बैठने की अनुमति ही नहीं दी। इसके तुरंत बाद जेबीटी पोस्ट कोड 721 के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई। मैं तृप्ता शर्मा बीएड बेरोजगार यूनियन की तरफ से आज ठाकुर जयराम जी से मिले और हमने अपनी मांग रखी कि जो जेबीटी की पोस्ट है 721 उसके लिए जो है बीएड वालों को कंसीडर किया जाए। हिमाचल प्रदेश जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मानने वाला फर्स्ट राज्य है, तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। अदर स्टेट राजस्थान को छोड़कर सभी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बीएड वालों को जेबीटी के लिए एलिजिबल कर दिया है, तो हमें जो है अपने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। मैं राजेश कुमार हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन का अध्यक्ष, आज हम माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मिले और हमने उनको एक अपना निवेदन पत्र भी दिया और हमने उनसे ये बात भी रखी कि जो बीएड के लोग हैं वो सब जगह सभी प्रदेशों में कंसीडर किए गए हैं, राजस्थान के अलावा, तो यहाँ भी बीएड वालों को कंसीडर किया जाए। अगर कहीं टेट की बात है तो टेट की कंडीशन को भी नहीं लिया जाए, क्योंकि टेट जो बीएड वाले हैं उनके पास टेट नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका टेट करवाया नहीं है। ये शिक्षा विभाग की अपनी लापरवाही है और हम हिमाचल प्रदेश में जो 2,00,000 बीएड यूनियन में जो लोग हैं वो हम सभी यही निवेदन करते हैं कि सरकार जो है इन बीएड वालों को जेबीटी के साथ कंडीशनल नियुक्तियां दी जाए। वैसे हम श्री जयराम ठाकुर जी से अभी यहां हमारा तीसरी बार मिलना हुआ है, तो उन्होंने हमारे से सौहार्दपूर्ण बात की। हमें सरकार से पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जो बात जो सुनी जाएगी हमारे साथ न्याय किया जाएगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट।